हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेशियो एनालिसिस के अंदर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। देखो, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ होते हैं वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं उनसे उनको प्रॉफिट कितना मिलता है, उनकी एफिशिएंसी लेवल जो है, जो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी है उसके बारे में पता चलता है। और क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अपने प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज करना है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हम कंपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और सेम इंडस्ट्री के अंदर जो फॉर्म्स होती हैं उनके साथ कंपैरिजन करके हमें पता चल सकता है कि हमारा एफिशिएंसी लेवल जो है पहले से इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है उससे ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ और एफिशिएंसी लेवल का पता चलता है। तो आज हम जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर कैलकुलेट करेंगे इस लेक्चर के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर कवर मैंने नहीं किया क्योंकि ये एक फुल फ्लेज जो है, काफ़ी डिटेल जो है ये टॉपिक है, तो इसको मैं एक सेपरेट लेक्चर के अंदर जो है आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। अब हम सबसे पहले करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है इससे हमें पता चलता है क्योंकि यहाँ पे ये हमारी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी के साथ जुड़ा होता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी प्रोडक्शन, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर ये ट्रेडिंग कंसर्न है, तो हमारी कितनी परचेज ऑपरेशन के साथ कितनी एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे जब नेट सेल का अर्थ होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल के अंदर से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अर्थ क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे देखो, हमें सेल दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो हमारा फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाता है, ये 50 इसके साथ कट हो जाएंगे और ये 5 जो है इसके साथ कट हो जाएगा 20। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है 20% है। इसका मतलब है कि अगर हमारा सेल जो है 100 रुपीज़ का है तो वहाँ पे हमें 20 रुपीज़ जो है ग्रॉस प्रॉफिट के प्राप्त होते हैं। अब हम इसको एक दो एग्जांपल से करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पे ये अप्लाइड क्वेश्चन है। अब एवरेज स्टॉक 60,000 है, स्टॉक टर्नओवर रेशो जो है 6 है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है 25% अबव कॉस्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर 25% अबव कॉस्ट दिया है तो वहाँ पे हमने कॉस्ट को 100 माना है, तो सेल प्राइस वहाँ पे 125 हो जाती। अगर यहाँ पे सेल पे दिया होता तो सेल को हम 100 मानते। तो यहाँ पे ये कॉस्ट पे है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कॉस्ट को हमने 100 रिज्यूम करना है। और स्टॉक टर्नओवर रेशो का हमें फार्मूला पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। और यहाँ पे देखो क्या है कि क्या चीज़ हमें दी हुई है। यहाँ पे बेसिकली हमें एवरेज स्टॉक की वैल्यू जो है दे रखी है 60,000 है, स्टॉक टर्नओवर रेशो दे रखा है, तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है निकाल लेना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, देखो किसके इक्विवेलेंट, क्योंकि जब हम लिखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशो जो है हमारा 6 है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या है 60,000, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है हमारी आ जाएगी 3,60,000। और यहाँ पे सेल जो है, क्योंकि हमें यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि अगर हमारी कॉस्ट है तो सेल प्राइस 125 है, तो उसी तरह अगर हमारी कॉस्ट 3,60,000 है तो हमारी सेल प्राइस क्या हो जाएगी, 3,60,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाती है यहाँ पे 4,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। तो 90,000 को जब हम नेट सेल के साथ जो है डिवाइड कर देंगे 4,50,000 के साथ, तो यहाँ पे ये आ जाता है 20%। तो देखो, इस तरह से हमने यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो जो है निकाल लिया है। अब देखो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एक कंपनी अर्न्स ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 100 रुपीज़ जो है अज्यूम करना है कि वो हमारी कॉस्ट है और 25 जो है हमारा प्रॉफिट है, तो यहाँ पे सेल प्राइस हो जाएगा 125। और देखो, यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि क्रेडिट सेल जो है कैश सेल का दुगना है, जितनी कैश सेल है और क्रेडिट सेल उससे डबल है, और क्रेडिट सेल अगर 6 लाख की है तो कैलकुलेट दी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। यहाँ पे हमारा जो है क्रेडिट सेल जो है हमारी 6 लाख नहीं है, यहाँ पे हमारी क्रेडिट सेल जो है 5 लाख है,
मैं अभी इसको ठीक करती हूँ। हमारी जो क्रेडिट सेल्स हैं ये 5 लाख हैं, और जो तो यहाँ से हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे हमने कैश सेल को कितना अज्यूम किया है एक्स, और जो क्रेडिट सेल है वो डबल है 2x है, ठीक है। तो टोटल सेल हमारी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएंगी, ठीक है। और हमें ये पता है कि 2x किसके इक्विलेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारी क्रेडिट सेल है वो कैश सेल का डबल है, 2x इज इक्वल टू 5 लाख। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली 2,50,000, तो इसका मतलब है कि 5 लाख प्लस 2,50,000, तो यहाँ पे हमारी जो टोटल सेल है वो आ जाती है 7,50,000। अब देखो यहाँ पे हमें उन्होंने ये बता रखा है, अब देखो हमने टोटल सेल्स निकाल ली और यहाँ पे हमें 25% ऑन कॉस्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर सेल प्राइस हमारी 125 है तो कॉस्ट 100 है, तो अगर हमारा सेल जो है 7,50,000 है तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी, तो 7,50,000 इनटू 100 बाय 125, तो ये आ जाता है 6 लाख। अब देखो हमारे पास सेल का फिगर भी है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर भी है, तो बड़ी आसानी के साथ हम वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। 7,50,000 माइनस 6 लाख, तो ये आ जाता है 1,50,000, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इनटू 100, तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो जो है 20% आ जाता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तीनों क्वेश्चंस के अंदर जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है अप्रॉक्सीमेटली ये 20% ही आया। अब हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट रेशो जो है, नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और देखो यहाँ पे जब हम नेट प्रॉफिट का अर्थ लेते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि यहाँ पे हमें ओवरऑल फर्म की जो एफिशिएंसी है उसका पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट से तो हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्शन या परचेज, और नेट प्रॉफिट से हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसके अंदर से जो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारी जो एफिशिएंसी लेवल जो है बिजनेस को मैनेज करने का कितना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो से हमें ओवरऑल अपनी एफिशिएंसी का पता चलता है। और जब हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। अब देखो यहाँ पे सेल जो है 4,50,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें 3 लाख दे रखी है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस हमें 30,000 के बताए हैं। तो नेट प्रॉफिट का अर्थ है सेल के अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो वैल्यू है, क्योंकि 4,50,000 के अंदर से जब हमने 3,30,000 माइनस किया तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 1,20,000। अब 1,20,000 को हमने 4,50,000 से डिवाइड कर दिया और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो आता है 26.67%। और यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है उसको रन करने के लिए जो हमारे उसके ऊपर खर्चा इनकर होता है उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू है ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका कितना परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने हैं तो ये रेशियो कम होना चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है किसके इक्विलेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस को रन करने के लिए खर्चा किया जाता है, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जो लोन लिया होता है उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं। तो यहाँ पे देखो नेट सेल हमें 2 लाख बता रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 15,000 है, और 10,000 जो है हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 है, लॉस ऑन दी सेल ऑफ फायर 2,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमें 50,000 जो है हमें इन्होंने बताया हुआ है। अब देखो नेट सेल्स हमारे पास कितनी है, 2 लाख है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 50,000। तो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है निकाल सकते हैं, 2 लाख माइनस 50,000 विच इज़ इक्वल टू 1,50,000। तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो, अब हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं हमने क्या क्या लेना है, यहाँ पे हमने देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लेने हैं 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस लेने हैं हमने, और ये जो लॉस है ये हमने लेना है। तो ये हमारा 27,000 जो है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो हमने यहाँ पे लेने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है,
ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई, ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और उसी तरह ये सेलिंग हो गया, ये लॉस हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल ऑपरेटिंग खर्चा है वो है 1,77,000। तो अब हम 1,77,000 को 2 लाख से डिवाइड कर देते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो रेशो है 88.5% आ जाता है। और उसी तरह अगर हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का अर्थ है, क्योंकि हमें इन्होंने बताया हुआ है 50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख × 100, तो यहाँ पर ये 25% आ जाता है। और उसी तरह क्या है कि अगर हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो नेट प्रॉफिट के अंदर से जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग है, जो लॉस है वो हम माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट थी वो हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ये टोटल 28,000 आ जाता है। 28,000 को हमने 2 लाख से डिवाइड कर दिया और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से देखो यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट भी जो है कैलकुलेट कर लिया है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है उसका रेशो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है उसके अंदर से हम क्या करते हैं, सेल के अंदर से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो हमारे पास आ जाता है वो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आ जाता है, उसको नेट सेल के साथ डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होती है वो नहीं लेनी होती। तो यहाँ पे देखो जैसे नेट सेल जो है हमारी 2 लाख है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो इन्होंने बता रखी है वो 1,77,000 है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमारे पास आ जाएगा 23,000 का। तो यहाँ पे 23,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख × 100, तो यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है वो 11.5% है। और उसी तरह हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर। देखो अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि जो लोगों ने कंपनी के अंदर शेयर परचेज किए हैं, तो पर शेयर के पीछे जो है नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। यहाँ पे हम पर इक्विटी शेयर के बेसिस पे जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेयर करते हैं। और देखो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर का जो फार्मूला होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, देखो पहले हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उस वो बिफोर टैक्स आ जाता है, बिफोर इंटरेस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट माइनस कर देना है, और उसके अंदर से बाद में हमने टैक्स भी जो है माइनस करना है, और उसके बाद जो है हमने प्रेफरेंस डिविडेंड भी जो है हमने माइनस करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हमने डिवाइड कर देना है। तो इसका जो फार्मूला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो यहाँ पे जैसे 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं और यहाँ पे उसकी फेस वैल्यू जो है 10 है, तो यहाँ पे 6 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं जो कि 12% जो है रेट ऑफ द डिविडेंड है, और 10% डिबेंचर्स जो है 1 लाख के, टैक्स का रेट जो है 30% है, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमें बताया हुआ है 1,50,000। और यहाँ पे देखो क्या है कि सबसे पहले हम जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमारे पास कितना है, 1,50,000 है। तो देखो जितना हमारा डिबेंचर है वो था 1 लाख का, उसके ऊपर 10% जो है इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे देखो 1,00,000 × 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 10,000 आ जाता है। तो यहाँ पे हमने 10,000 माइनस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा 1,40,000। अब देखो 1,40,000 के ऊपर जो हमारा टैक्स बनता है वो 30% बनता है, और वो हमने कैलकुलेट कर लिया तो वो 42,000 आ जाता है। तो अब यहाँ पे 42,000 हम माइनस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 98,000। अब देखो ये 98,000 जो प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स है, और यहाँ पे क्योंकि जो डिविडेंड हम पे करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर अगर है तो उससे पहले हमने प्रेफरेंस को डिविडेंड देना होता है, और प्रेफरेंस जो है 3 लाख के हैं और उसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड 12% है, तो 36,000 जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड देना है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा नेट प्रॉफिट विच इज़ अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास 62,000 क्या है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्सेस आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमने शेयर कैपिटल के साथ डिवाइड नहीं करना, हमने इक्विटी शेयर्स जितने टोटल इक्विटी शेयर्स हैं जो हमने इशू किए हैं उनके साथ हमने डिवाइड करना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है अर्निंग पर शेयर इतनी आ जाती है कि एक शेयर के पीछे जो है इतनी अर्निंग है। अब हम दूसरा रेशियो कैलकुलेट करते हैं, डैट इज़ द प्राइस अर्निंग रेशियो, और यहाँ पे देखो ये जो है मार्केट प्राइस और उसका जो अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर रिलेशन को मेयर करता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि
जो इन्वेस्टर है 1 रुपए की अर्निंग के पीछे कितना रुपीज़ जो है वो देने को तैयार होता है। हाई रेशो का मतलब होता है हाई अर्निंग पोटेंशियल है, लो रेशो का मतलब होता है लो अर्निंग पोटेंशियल है। तो देखो अगर जो है मार्केट प्राइस 500 है, अर्निंग पर शेयर 90 है, तो यहाँ पे हमारा प्राइस रेशो जो है 5.55 आ जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड का मतलब होता है कि देखो जितना वो डिविडेंड रिसीव करते हैं, जो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से उसको डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये एक्चुअली जो इन्वेस्टर रिसीव करते हैं, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है कि पर शेयर के पीछे उनको प्रॉफिट के अंदर से इतना शेयर जो है मिल रहा है, इतना डिविडेंड के फॉर्म में मिल रहा है। अब हम इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखो यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर जो है यहाँ पे है बेसिकली 20,000 के शेयर्स हैं और यहाँ पे 10 रुपीज़ के साथ हो जाएगा तो ये 2 लाख है। और उसी तरह प्रेफरेंस शेयर हमें 1 लाख के दे रखे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, और हमें डिबेंचर 3 लाख के दे रखे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, और इधर हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, और हमें जो बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है हमें 6 लाख दिए गए हैं, और रेट ऑफ टैक्स जो है 50% है, डिविडेंड 30% है, और जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है डेट इज दी 100 रुपीज। तो अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। अब पहले देखो हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वैसे तो बताया ही गया है, अगर ना बताया गया हो तो टोटल जितनी भी वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की उनको फेस वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। और उसी तरह 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर है तो 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 10,000 के प्रेफरेंस शेयर्स है। और देखो यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 6 लाख का है, उसके ऊपर क्या है कि जो डिबेंचर्स हैं हम देखते हैं डिबेंचर्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब देखो यहाँ पे 15% डिबेंचर्स है, इसका मतलब है 3 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाता है 45,000 जो है हम इंटरेस्ट की फॉर्म में पे करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने नेट प्रॉफिट जो है उसके अंदर से हमने जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो हमने माइनस कर देना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये आ जाएगा 5 लाख जो है बेसिकली 55,000 जो है हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा। और उसके बाद देखो क्या है कि हमने इसके ऊपर जो है टैक्स जो है वो हमारा 50% है, तो वो टैक्स हमने जो है पे कर देना है, तो वो आ जाता है 2,77,500, इसका हमने हाफ कर लेना है क्योंकि 50% टैक्स है, तो नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स इतना ही रह जाता है 2,77,500। ठीक है, उसके बाद हमने जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो हमने कैलकुलेट किया है, और प्रेफरेंस जो है हमारे पास देखते हैं हम कितना है। और देखो यहाँ पे जो हमारा रेट है वो 18% है, 1 लाख का प्रेफरेंस है, 1 लाख का प्रेफरेंस है तो उसके ऊपर जो डिविडेंड है वो 18,000 आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, 18,000 जो है हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट प्रॉफिट जो हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है वो आ जाता है 2,59,500। अब देखो हम यहाँ से अर्निंग पर शेयर हम कैलकुलेट करते हैं, 2,59,500 को हम 20,000 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाती है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट जो हमने इक्विटी शेयर होल्डर को देना है वो कितना है, 2,59,500 है, और जो हमने डिविडेंड कितना दिया है 30% इसका दिया है, तो यहाँ पे हमने इसका 30% जो है कैलकुलेट कर लेना है, और 30% जो आ जाता है 77,850। तो यहाँ पे हमने डिविडेंड पर शेयर निकाल लेना है 77,850 डिवाइडेड बाय 20,000। और उसी तरह प्राइस अर्निंग रेशियो का हमें पता है, मार्केट प्राइस हमें पता है 100 रुपीज़ है, और अर्निंग पर शेयर जो है हमें पता है, तो उसके साथ हमने मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर के साथ डिवाइड कर दिया तो प्राइस अर्निंग रेशियो जो है 7.71 आ जाएगा।